शीत सत्र को लेकर महज कुछ दिन ही बाकी है, जिसकी तैयारियां अब चरम पर है। इसी को लेकर आज विधान भवन परिसर में रेलवे, फायर ब्रिगेड, पुलिस और एनडीआरएफ और मेडिकल स्टाफ द्वारा संयुक्त मॉक ड्रिल की गई, जिसमें दुर्भाग्यवश अगर कोई घटना होती है तो संबंधित मामले को तुरंत अच्छे से संभाला जा सके। मतलब दुर्घटना को रोकने के लिए तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, पर दुर्घटना होने के बाद हम कितनी सजगता से और कितनी जल्दी से हम दुर्घटना को हैंडल कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ये उसकी एक एक्सरसाइज है। जिसमें कि कोल्ड कटिंग के लिए एनडीआरएफ की टीम्स ने कितना फास्ट काम किया, एनडीआरएफ की टीम्स और हमारी टीम्स ने आर्टिफिशियल जो सीपीआर है उस पर कैसे काम किया, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग पे कैसे काम किया, कैसे हैंडल किया, ये सारी चीजें मिला करके हमारी एक पूरी टीम कैसे काम कर रही है। मतलब नॉट ओनली रेलवे, पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल्स, सिविल के हॉस्पिटल्स और एनडीआरएफ, जो कि 5th बटालियन पुणे से एक स्पेशल टीम आई है इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए, तो सबने मिल करके इस पूरे घटना को आज अच्छे से हैंडल किया। और अभी तक मतलब इन लोगों ने सबने अच्छा काम किया, और फिर भी एक दो अगर त्रुटियां मिलेंगी तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे, ताकि हम जरूरत आने पे, ईश्वर करे जरूरत ना आए, पर कह नहीं सकते, सब कुछ करने के बाद भी कभी चीजें होती हैं, तो हम उसको कैसे जल्दी से हैंडल कर सकते। थैंक यू सर।